हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमने क्वेश्चन लिया है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग चार्जेज ऑफ -2, -3, -4 and -5 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट इट्स कॉर्नर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ देखो एक स्क्वायर बना है स्टूडेंट, जिस पे चार्जेज हमारे हैं Q1, Q2, Q3, Q4। ये स्क्वायर हमने बनाया, क्वेश्चन में नहीं दिया है स्टूडेंट, हमने स्क्वायर बनाया हुआ, ठीक है। और इसका सेंटर है O, साइड इसकी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो Q1 हमारा दे रखा है -2 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू -2 × 10⁻⁶ कूलम। Q2 दे रखा है 3 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ कूलम। Q3 दे रखा है -4 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू -4 × 10⁻⁶ कूलम। Q4 हमारा दे रखा है 5 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁶ कूलम। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो हमारा सेंटर है वहाँ से वर्टिसेस की डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये निकालना पड़ेगा। और ये स्क्वायर है तो हम लोग इसके डायगोनल का फार्मूला लगाएंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर का डायगोनल होता है स्टूडेंट वो साइड का √2 टाइम्स होता है। तो डायगोनल को हम डी ले लें अगर, तो डी इज इक्वल टू साइड √2 हुआ, ठीक। साइड हमारी दिया है 60 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁻²√2 और इतना हो जाएगा मीटर, ये डायगोनल हो गया हमारा, ठीक। आर इज इक्वल टू, अब ये हमारा आर जो होगा स्टूडेंट ये सभी के लिए इक्वल होगा क्योंकि ये सेंटर पर है, ठीक है। तो जो आर हमारा यहाँ से निकलेगा स्टूडेंट वो होगा डायगोनल का हाफ होगा, ये देखो इधर हाफ पूरा, ये डायगोनल हो गया। और ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड √2, और √2 को हमने यहाँ रख दिया, ये साइड हमारी 60 सेंटीमीटर दी है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो √2 मीटर हो गया। आर हमारा जो निकलेगा यहाँ से स्टूडेंट वो हमारा होगा डायगोनल/2, ठीक। और डायगोनल/2 इसी को कर लीजिए स्टूडेंट, 60 × 10⁻²√2 अपान आ गया 2 मीटर, 2 से इसको कैंसिल कर दो 30 हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ गई हमारी 30√2 × 10⁻²√2 मीटर, ठीक। आप देखो स्टूडेंट, हर चार्जेज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल का हम लोगों का फार्मूला वही है V = KQ/R। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सेंटर ऑफ स्क्वायर ठीक स्क्वायर के सेंटर पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू पहले चार्ज के लिए K
Q1 अपान R होगा, दूसरे चार्ज के लिए K Q2 अपान R होगा, तीसरे चार्ज के लिए K Q3 अपान R होगा और चौथे चार्ज के लिए K Q4 अपान R होगा। ठीक, अब इनमें K अपान R सब में कॉमन कर दो स्टूडेंट, V इज इक्वल टू K, K अपान R कॉमन, ब्रैकेट में आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक, अब वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, V इज इक्वल टू के अपान आर, Q1 Q2 Q3 हमने वैल्यू दे रखी है, आप 10^-6 वाली वैल्यू रखेंगे, तो जब वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट तो 10^-6 सब में कॉमन हो जाएगा, वो बाहर लिख देंगे। तो यहाँ हो गया हमारा -2। ठीक, Q2 दे रहा है 3, तो प्लस का हो गया 3, माइनस का हो गया 4 और प्लस का हो गया 5। ये Q1 Q2 Q3 दिए हैं, ये सब माइक्रो में है, तो माइक्रो में 10^-6। ठीक, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, 2^-6 (3, 5, 8) तो ये वैल्यू इसमें प्लस का 2 आ जाएगी। V इज इक्वल टू के अपान आर और इनटू ये हो गया 2^-6। ठीक, के और आर की वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट, V इज इक्वल टू 9 × 10^9, 2 × 10^-6। के की वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू है, आपको लर्न होना चाहिए। आर हमारा निकला है यहाँ पे 30√2 × 10^-2। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट, V इज इक्वल टू, यहाँ देखो स्टूडेंट ये पावर 0 है, तो इससे अरेंज कर देंगे, 10^-1 हो जाएगी, ऊपर जाएगी पावर प्लस होगी तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, 10^-6 (4) हो जाएगी, ये 3 से 9 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक, और √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा √2। ठीक, और यहाँ जो है कैंसिल, इसको भी कर देंगे, ये 0 रिमूव कर देंगे, 3√2 × 10^4। ठीक, इतना वोल्ट आ जाएगा स्टूडेंट, कैलकुलेशन खुद सीखिए स्टूडेंट, ये आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जो लोग आंसर थोड़ा रूट हटा के लिखना चाहते हैं वो ऐसे लिख देंगे, V इज इक्वल टू 3√2 की वैल्यू होती है 1.414 × 10^4। ठीक, तो कुछ लोग 1.4 लिख देते हैं, कुछ लोग 1.41 लिखते हैं, कुछ लोग 1.414 लिखते हैं, आप कोई भी लिख देंगे, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, फ्री हैं आप। V इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, 4.242 × 10^4 वोल्ट। ठीक, ये आंसर है, अगर ये पॉइंट रिमूव करना चाहेंगे तो V नियर अबाउट ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.2 × 10^4 वोल्ट, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक, आप चाहे इसको अपने आंसर में शामिल कर लें, ठीक, चाहे इसे अपने आंसर में शामिल करें या इसे शामिल करें या इसे, तीनों जहां तक आप छोड़ देंगे सब सही होगा, यहां से यहां लाने का कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, यहीं तक का नंबर होता है। ठीक है, अब इसके आगे आपका इम्प्रेशन केवल होता है इधर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।